दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे लेटर और EMI के ऑप्शन को अप्लाई कर लेते हैं, बट अप्लाई करने से पहले उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर आप इस चीज़ का यूज़ करोगे तो आपको कितने फीस और चार्जेज आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सा चार्ज आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर लेते हैं, उसके बाद यूज़ करने के बाद उनको ये पता नहीं चलता है कहाँ पे कितने पैसे एक्स्ट्रा कट गए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर या EMI को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको कौन कौन से फीस और चार्जेज आपको देखने को मिलता है, ताकि आप अच्छे से यूज़ करिए, फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार का गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों अगर आपने अप्लाई कर लिया है एंड आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से चार्जेज आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट को ओपन कर दिया है एंड यहाँ पे पेलेटर के सेक्शन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है 90,000 यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिल रहा है। EMI में 90,000 है और 25,000 पेलेटर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से चार्जेस और फीस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फीस एंड चार्जेस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे जब भी आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर दोस्तों आपको यूजेस फी लगाया जाता है एंड प्रोडक्ट का क्या प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको यूजेस फी पे करना होगा। जैसे कि 1,000 रुपये तक कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो कम से कम 5.90 रुपये आपको यूजेस फी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1,000 से लेकर 3,000 तक का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 11.80 रुपये देना होगा। 3,000 से ऊपर का कितना का भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहाँ पे 17.70 रुपये देना होगा। इसको मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ, तो सिंपली मैं बैक करता हूँ एंड बैक करने के बाद प्रीवियस बिल पे मैं आता हूँ। मैंने काफ़ी बार यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट खरीदा है पेलेटर का यूज़ करके। जैसे कि जून में मैंने यहाँ पे 2,000 का खरीदा है, अप्रैल में मैंने 3,400 रुपये का खरीदा है, नवंबर में मैंने 2,100 रुपये का खरीदा है। तो सिंपली मैं एक पे क्लिक कर देता हूँ एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मेरे से यूजेस फी जो लगाया गया है 17.70 रुपये लगाया गया है। तो इस चीज़ को मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे सेकेंड फी के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर पे EMI के ऑप्शन पे आप जाते हो, EMI को आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितने मंथ का आपने टेन्योर यूज़ किया है, कितने मंथ का आपने टेन्योर चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपके साथ प्रोसेसिंग फ़ी लगाया जाता है। साथ ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको देना होता है, जो कि 24% आपको यहाँ पे कॉमन देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप 3 मंथ का यहाँ पे ड्यूरेशन चूज़ करेंगे तो 1.5% आपका जो ऑर्डर वैल्यू है, जितना का आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसका 1.5% आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। 12 मंथ का आप खरीदेंगे तो 2% देना होगा, 9 मंथ का आप करेंगे तो 1.5% देना होगा, ऐसे आपके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज लगाया जाता है। साथ ही दोस्तों अब मान के चलते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं जहां पे जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट को EMI पे परचेस कर लिया है एंड आपका जो टेन्यूर है 12 मंथ का है एंड सेकेंड मंथ में आपके पास कहीं से मोटे पैसे आ गए, आप उसको वन टाइम में पे करना चाहते हैं तो आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, जैसे कि EMI को फोर्स क्लोज करेंगे तो आपको 4% का यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा फ्लिपकार्ट वाले लोगों को। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करके या EMI का यूज़ करके, और समय पे जब उनका ड्यू डेट आता है उस समय वो पैसे को नहीं चुका पाते हैं, ऐसे में कंपनी या फ्लिपकार्ट क्या करती है लेट पेनल्टी चार्ज करती है, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी उस समय देना होगा और एक्स्ट्रा पैसे भी आपसे लिए जाएंगे। तो ये सारे दोस्तों ओवरऑल चार्जेस थे जो कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करेंगे उसका कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर और EMI के क्या क्या चार्जेस थे, ओवरऑल क्या फीस था, क्या चार्जेस था, क्या पेनल्टी था, वो सारा आई होप मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।